जनपद संभल में मुरादाबाद जिला जेल से पेशी पर आए कैदियों ने पेशी से लौटते समय दो सिपाहियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उनकी राइफल छीनकर उनकी हत्या कर दी और उनकी राइफल भी लूटकर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि मुरादाबाद जिला जेल से 24 कैदियों को लेकर आज जिला न्यायालय लाया गया था। जब ये वापस लौट रहे थे तो बनियाठेड़ थाना क्षेत्र के चंदोसी ग्रीन के पास कैदियों ने सिपाहियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उनकी राइफल छीन ली और गोली मारकर सिपाहियों ब्रजलाल और हरेंद्र की हत्या कर दी और उनकी राइफल भी लूट कर फरार हो गए। कैदियों की गाड़ी में कुल 24 कैदी थे जिसमें से 3 फरार हो गए। फरार कैदियों के नाम कमाल, धर्मपाल और सतीश है। दो पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, क्या मामला है? ये बलवासन ने गोली मारी है। कैसे मारी गोली, क्या हुआ है? ये मुंजिम को लेकर जा रहे थे। कहाँ से कहाँ? ये यहाँ चनौती से पेशी से मुरादाबाद ले जा रहे थे। तो ये घटना को अंजाम कैसे दिया उन लोगों ने, कुछ जानकारी? वैसे मुझे जानकारी नहीं है, इन्होंने गोली मारी उनकी रात में। क्या क्या नाम है दोनों के? नाम प्लेट पता नहीं। अच्छा, किस थाने में तैनात थे? ये मुरादाबाद लाइन में थे, लाइन से आते हैं। अच्छा, इनकी मौके पर मौत हो गई? हाँ, मौके पर मौत हो गई। बदमाश कहाँ गए वो? भाग गए। कितने लोग थे वो? पता नहीं मुझे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बनी सिंह। आप कहाँ तैनात हो? बनियाठेड़। जनपद संभल के थाना बनियाठेर के अंतर्गत ये एक घटना घटित हुई है। मुलजिमों की पेशी करा के मुलजिम की वैन जो लौट रही थी, इसमें 24 मुलजिम थे, इसमें से 3 मुलजिम जो हैं कमल, शकील और धर्मपाल, इनके द्वारा मिर्च जो है वो बाकी कैदियों के आंखों में और सिपाहियों की आंखों में झोंकी गई और इनके द्वारा उसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हुए उनको सिपाही को गोली मारी गई। हमारे दो कांस्टेबल्स जिन्होंने इनके संग में मोर्चा लिया और वीरता का परिचय दिया, हरेंद्र सिंह और ब्रजपाल सिंह, इनकी इस घटनाक्रम में डेथ हुई है और ये 3 मुलजिम अभी भागे हैं। हम लोग यहाँ कई टीमें लगाई गई हैं, ये पैदल निकले हैं, इनकी लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है खेतों में और जो भी सूचना मिल रही है इनको पकड़ने के लिए टीमें रवाना हैं जो आगे से प्रयास कर रही हैं। अभी कांस्टेबल्स का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और उसके अंतर्गत आगे की और कार्रवाइयाँ की जाएंगी। हमारा प्रयास है कि ये मुलजिम जल्द से जल्द पकड़े जाएँ और इनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो हम लोग करें। वैन में कितने मुलजिम थे सर? वैन में 24 थे। सिपाही कितने थे सर? सिपाही 1 ड्राइवर और 4, 1 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल। तो जानकारी मिल पाई सर मिर्ची पाउडर कहाँ से आया? अभी इसके बारे में तहकीकात की जा रही है। ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को, क्योंकि अभी जल्दी दे रहे हैं हम लोग, अभी जैसे और कोई डिटेल होगा आपसे। सिपाही की राइफल भी लेकर फरार हुआ है? एक राइफल गई है, उसके लिए अभी सूचना मिली है, उसके लिए अभी टीमें निकली हुई हैं। प्रयास ये है कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ के और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जाए। सिपाही गोली मारी गई?